Hello students, welcome to the channel Entrance Exam Guide. So guys, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं TS-EG-CET 2022 application form के बारे में. जी गाइस, आप लोग का जो application form है TS-EG-CET 2022 को यहाँ पे release हो चुका है. अब application form किस तरह से check करना है, किस तरह से fill करना है, complete live application fill करके बताएंगे इस वीडियो में. सिंपल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा. देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, और नीचे आने पे यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉलम दिखा देगा जहाँ पे लिखा है क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन. इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक करते आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी. अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फी पे करनी होगी. तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक लिखा है टू एंड पे द फी फर्स्ट. सिंपली उस क्लिक पे क्लिक करना होगा, आपके सामने इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा. अब गाइस, यहाँ पे फॉर्म ओपन होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना जो है एग्जाम का जो हॉल टिकट नंबर एंटर कर देना होगा. यहाँ पे आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिजिकली हैंडीकैप हो या नहीं, यस या नो में आंसर देना है. फी किस तरह से पे करना है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा आप लोगों को, और सिंपली आप लोग अपना एप्लीकेशन फी बता दिया जाएगा. फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा. जैसे आप प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे आप लोग का गाइस एप्लीकेशन फी यहाँ पे हो जाएगा पेमेंट गेटवे पे ओपन होने के बाद, और आप लोगों को एक पेमेंट रेफरेंस आईडी दिया जाएगा. सिंपली यहाँ पे आने के बाद उस पेमेंट रेफरेंस आईडी आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देना है, हॉल टिकट नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ. प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करना, और नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग के सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. वहाँ पे आपको सारी पेंडिंग डिटेल्स फिल करनी है, और वहाँ से आप आसानी से जो अपना एप्लीकेशन पूरी तरह से फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा. इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी इशू होता है, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स.